इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर बाइक और एम्बुलेंस की टक्कर हो गई, जिसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने दरिया दिली दिखाई है। मंत्री सारंग ने तत्काल एम्बुलेंस उपलब्ध कराई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां पर बाइक और एम्बुलेंस की भिड़ंत हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कई यात्री घायल हुए। आपको बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग ने यहां पर दरियादिली दिखाते हुए तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध कराई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। और विधायक रामेश्वर शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह बाइक और एम्बुलेंस की भिड़ंत के बाद घायलों को मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल में भर्ती कराया और तुरंत वहां पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। इस दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि वहां पर फिलहाल जो घायलों को आपने अस्पताल पहुंचाया, उनकी क्या कुछ स्थिति है और कितने लोग घायल हुए इस पूरी घटना में? असल में ये BITS जो हमारा एक बस रूट है, उसमें एम्बुलेंस जा रही थी, उसी के सामने मोटरसाइकिल वाला आया और उन दोनों में भिड़ंत हो गई। और भिड़ंत होने के बाद मोटरसाइकिल वाला भी घायल होकर नीचे गिर गया गंभीर अवस्था में, और जो एम्बुलेंस थी वो जाम हो गई, मतलब वो बंद ही हो गई, स्टार्ट होना उसका बंद हो गया। और उसके अंदर एक 19 दिन का बच्चा था जो जिसको ऑक्सीजन लगाए था। अब उसी स्थिति में हम लोग, मैं उधर से क्षेत्र से दौरा करके आ रहा था, मैंने देखा क्या भीड़ है, तो वहां देखा था चला एक नीचे पड़ा है खून से लथपथ, और तो उसको इमीडिएट जो हमारे पास साधन उपलब्ध थे उसी रूट पे एक बस जा रही थी, क्योंकि पूरा रूट जाम हो गया था, तो जिस रूट पे बस जा रही थी हमने उस बस को ही रुकवा के उसी में उसको पहुंचा के हॉस्पिटल इमीडिएट भेजा, और निकटतम हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लेके उसको चिरायू में शिफ्ट कराया है जी। आज जब हमने कहा कि यार ये एम्बुलेंस में कौन है, तो एम्बुलेंस में अपना बाप 19 दिन के बच्चे को लेकर बैठा था। अरे मैंने कहा तुम? बोले हाँ भैया, ये है, हम सीओर हॉस्पिटल में सरकारी में ले जा रहे हैं, सीओर के ही रहने वाले हैं, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार था। फिर हमने देखा, तो फिर हमने विशेष मैसेज किया, और बच्चों का डॉक्टरों को गोयनका चिरायू को मैसेज किया, एक वही डीके और हॉस्पिटल है, और उनकी वाइफ पूनम वो भी डॉक्टर है, दोनों को बुलाया, एम्बुलेंस बुलवाया, बच्चे को ऑक्सीजन के साथ उस एम्बुलेंस में अलग से शिफ्ट करा के फिर दोनों को चिरायू रवाना किया है, भर्ती किए हैं। अभी रात तक का समाचार ठीक था, अभी सुबह एकदम तो मेरी बात हुई नहीं है, पर मैं ये भगवान पर भरोसा करता हूँ सब दोनों स्वस्थ होंगे, जल्दी ठीक होके अपने अपने घर जाएंगे। बिल्कुल सर, और गनीमत थी कि आप मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अगर आप वक्त पर नहीं पहुंचते तो बड़ा हादसा हो सकता था, और हो सकता है उस घायल बच्चे की जान भी जा सकती थी। नहीं, सब ईश्वर अच्छा करेगा। देखिए, तो कोई ना कोई, किसी ना किसी, अब हम भी पहुंचे, हम भी क्या, हम वहां से निकल रहे थे, रोड जाम था, तो हम उतर के अपनी गाड़ी से देखे, तो इसका मतलब वहाँ आम नागरिक भी इस बात के लिए तैयार था कि इनकी क्या मदद की जाए, पर वो एम्बुलेंसों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, थोड़ा सा विलंब हो रहा था। हमने कहा यार एम्बुलेंस को कोऑर्डिनेट करने से पहले बेहतर है कि जो बस जा रही है इसी में इसको रख लें, और बस हॉस्पिटल पे कह दिया कि बस ऑपरेटर को हॉस्पिटल पे रोको, हॉस्पिटल से जो दूसरी एम्बुलेंस थी उसको रेडी करा दिया कि भाई या तो आप इसको ले सकते हो तो आप हैंड लीजिए, और अगर आप भर्ती नहीं कर सकते तो चिरायू इसको भेज दे दी हमने, चिरायू डॉक्टर गोयनका साहब से बात हो गई है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।